So, hey guys, what's up, यार? This is यश अग्रवाल, स्वागत है आप सभी का फिर से चैनल में। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं यार बिजनेस के बारे में। बिजनेस के लिए बहुत ये कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि जब भी वो जिम जाते हैं कि क्या सप्लीमेंट लें। वर्कआउट तो चलो पूछ के हाँ या किसको देख, वर्कआउट में बहुत दिक्कत आती है, पर चलो वर्कआउट तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पर ये वीडियो होने वाली है कि बिजनेस के लिए क्या सप्लीमेंटेशन हमें जरूरत होती है जब वो जिम ज्वाइन करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है 5 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर जो कि आपको जरूर इंक्लूड करने चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, डाइट ले रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो। पर सबसे पहले एक चीज और कि आप बेस मत रहो कि सप्लीमेंटेशन बेस नहीं लेना कि मैंने सप्लीमेंटेशन नहीं ली, प्रोटीन वगैरह ये सब चीजें नहीं ली तो मैं अपनी मसल बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा, ये सब गलत है। आप नेचुरल डाइट से भी कर सकते हो। तो यार अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 सप्लीमेंट की जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है एज अ बिगिनर में, तो वो है यार वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है कि वे प्रोटीन सबको पता है कि दूध से बनता है, दूध से बनता है। वे प्रोटीन का काम ये होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल्स जो है मसल फाइबर टियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं मसल के टिश्यूज, उनको रिपेयर करने में वे प्रोटीन हेल्प करता है और हमारी साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाता है। साथ ही साथ वे प्रोटीन का काम ये भी है कि वो हमारा मसल मास मेंटेन करके चलता है जब हमारी बॉडी को रिकवर करेगा। और रात को सोने से पहले भी अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो भी आपका वो मसल मास काफी हद तक मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो बंदा नॉर्मली वर्कआउट नहीं भी कर रहा, बिगिनर है, घर पे वर्कआउट कर रहा है, तो वो भी वे प्रोटीन ले सकता है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हो जब भी वे प्रोटीन लेना है, अपने घर में अपनी मम्मी को पापा को भी आप रिकमेंड कर सकते हो कि हाँ आप भी मेरे साथ वे प्रोटीन लो, क्योंकि यार उनकी भी बॉडी को, उनकी भी मसल्स को, उनकी भी बोन्स को जरूरत होती है प्रोटीन इंटेक की, जो कि वो अपनी नेचुरल डाइट से नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, सप्लीमेंट नंबर 1 वे प्रोटीन आप जरूर इंक्लूड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आ जाता है वो है यार ब्रांच चेन अमीनो एसिड, BCAA में बेसिकली हमारे 3 मेन सॉल्ट होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलाइन। BCAA बेसिकली हमें प्री वर्कआउट में नहीं लेते, इंट्रा वर्कआउट लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्री वर्कआउट लेते हैं, नहीं प्री वर्कआउट में नहीं लेना, इंट्रा वर्कआउट लेना है इसको वर्कआउट के दौरान। इसका काम क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी में थकान हो जाती है, फटीक हो जाती है, उस फटीक को दूर करने में हमें काफी मदद करता है। साथ ही साथ जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल्स एकदम पंप हो जाती है, जो सोरनेस हो जाती है, जो आगे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वहां ये काफी हेल्प करता है, मसल सोरनेस नहीं होने देता हमारी बॉडी को। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको बनाने में काफी मदद करता है, हमारी मसल्स मास मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। और एक खास बात हो, मान लीजिए आप 2-3 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आप इसको मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो मेंटेन रहेगा और हमारी बॉडी का मसल मास और मसल्स ड्रॉप डाउन नहीं होंगे। तो आप इसे नॉर्मल, अगर जिस दिन वर्कआउट नहीं भी कर रहे तो आप इसे मॉर्निंग में ऐसी पानी के साथ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आ जाता है वो है यार क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब क्रिएटिन का काम क्या है, क्रिएटिन हमारी बॉडी में हमारी जाकर हमारी मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो जो मसल्स में जो हमारे वाटर रिटेंशन है उसके कारण वो हमारी मसल्स में अच्छे से फूड एब्जॉर्ब हो पाता है। और साथ ही साथ क्रिएटिन इसलिए भी यूज किया जाता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के दौरान वो हमें इंस्टेंट अगर हम क्रिएटिन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जिससे हम अच्छा लिफ्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली आपने देखा भी होगा कि क्रिएटिन एट अ टाइम जब हम मसल गेनिंग करते हैं तब ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू फैट लॉस। तो अब बात कर लेते हैं अपने यार फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट की, वो आ जाता है यहाँ पे यार मल्टीवाइटमिन। हम अपनी डेली डाइट से इतने सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो एक मल्टीवाइटमिन हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो हमारी प्रॉपर डेली की डाइट है सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमको मिले। और जिससे कि हमारा मल्टीवाइटमिन क्या खर्चा, एक मान लीजिए हमारी बॉडी अपने अपना विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी बॉडी जो है विटामिन सी अपना प्रोड्यूस नहीं करती, हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना ही पड़ता है, किसी दिन हमने बाहर से लेना भूल गए या नहीं लिया, तो वो एक कैप्सूल जो है वो हमारी प्रॉपर डेली की जो इंटेक है वो पूरी कर देगा। और विटामिन सी का फायदा ये भी है कि वो हमारे सारे जो बॉडी में स्क्रैचेस कट्स वगैरह होते हैं उसको हील करने में काफी हेल्प करता है। तो विटामिन सी मल्टीवाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जरूर इंक्लूड करना अपनी डाइट। तो अब बात कर लेते हैं अपने टॉप 5 सप्लीमेंट की यार, वो है यार फिश ऑयल। फिश ऑयल से हमें क्या मिलता है, बेसिकली ओमेगा 3। 2 सॉल्ट होते हैं बेसिकली, EPA और DHA जो हमें ओमेगा 3 से मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो फिश ऑयल जो मार्केट में सप्लीमेंटेशन हमें मिलता है वो हमें बेसिकली फिश ऑयल,
फिश से बनता है। तो जो लोकल यहाँ पे नदियां होती है वहां से नहीं, जो बेसिकली मरीन वाली फिशेज होती है उनमें से हमें ये TPA और DHA निकाला जाता है, और वो हमारी बॉडी को काफी हेल्प करता है, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग रखता है, और साथ ही साथ जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उनको भी अच्छी उनकी फंक्शनिंग के लिए एक हमें ग्लिसरीन टाइप का वो फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे ज्वाइंट्स में पेन वगैरह ना हो, और बेसिकली हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में अगर आप इसे कंज्यूम करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि अब मैं थोड़ा कार्डियो और मेरा अच्छा कर रहा, अच्छा हो रहा है मेरा कार्डियो। तो ये बेसिकली इसके फिश ऑयल के बेनिफिट्स हो गए। और इसके साथ साथ अगर आप देखो, फिश ऑयल होता है एक नॉनवेज हो क्योंकि फिश से लिया जाता है, पर अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप ये दोनों कंपाउंड EPA और DHA आप फिश ऑयल की बजाय वैज सोर्स से भी ले सकते हो, जैसे कि हमारे वॉलनट हो गए, अखरोट में हमें ओमेगा 3 मिलता है, साथ ही साथ फ्लैक्स सीड हो गए, वहां से हमें ओमेगा 3 मिलता है। अगर आप फिश वाला भी लेना चाहते और एग्स एगिटेरियन हो, कुछ बंदे एगिटेरियन होते तो एग्स में भी ओमेगा 3 होता है, आप वहां से भी इसको ले सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज हो गए यार नॉन वेज, वेज और एगिटेरियन वालों के लिए। तो गाइज ये थे हमारे यार 5 बेसिक सप्लीमेंट फॉर बिगिनर, आप इसको जरूर इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, पर मेक श्योर इनके ऊपर बेस ना रहे। किसी दिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं होता था इतना भी, अब भी नहीं है, कुछ सप्लीमेंट होते हैं कुछ नहीं होते, तो बेस मत रहो, जितना हो सकता है नेचुरल सोर्सेज से लो, अगर नहीं हो पा रहा तो आप फिर सब जाके सप्लीमेंटेशन ले सकते हो। तो इसके साथ यार दिस इज यश अग्रवाल, ये थे हमारे यार 5 बेसिक सप्लीमेंटेशन फॉर बिगिनर। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे यार तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, और लाल कलर का बटन आ रहा होगा जल्दी से दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर देना, इससे कि मेरी आने वाली वीडियो से आपसे मिस ना हो पाए। दबा दो यार बेल आइकन, करते नहीं तुम प्रेस। तो ओके गाइस यार, और फिटनेस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया है, वहां पे जाके आप मेरे को पूछ सकते हैं। और इसके साथ यार सपोर्ट करते रहो गाइस, सपोर्ट चाहिए आपका। और जैसे यश अग्रवाल, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम स्टे सेफ, love you।